गाजियाबाद जिले में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पर कार्यालय में एक महिला कर्मी ने बदसुलूकी किए जाने का आरोप लगाया है। महिला कर्मी ने अधिकारी पर हाथ पकड़ने और बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक आज जब वो अपने काम कर रही थी तो अचानक से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश पांडे उनके सामने पहुंचे, उन पर चिल्लाने लगे, जिसका महिला ने विरोध किया तो उन्होंने उसका हाथ पकड़। महिला का कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। रजनीश पांडे लगातार उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते रहे हैं और उनके साथ बदसलूकी करते। पेज फाड़ देते, कभी फाइल लगे, कभी कुछ कर देते, कभी कुछ कर देते, जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं जी। तो फिर ये आए एकदम से ऐसे खड़े हो गए, तुम दोगे कि नहीं दो फाइल, क्योंकि मेरा इनका आमना सामना 5-6 महीने से हुआ नहीं, तो मैं एकदम सक पका गई कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने कहा सर आप इस तरीके से बात मत कीजिए, आराम से बात कीजिए, जो आपको चाहिए मैं दूंगी। मैंने कहा फिर ये बदतमीजी से बात करने लगे तो मैंने अपना मोबाइल फिर इन्होंने सर ये देखिए ना ये। वहीं इस बारे में जब आरोपी अधिकारी रजनीश पांडे से बात की गई तो उन्होंने मीडिया को सही तरीके से जवाब नहीं दी और कहा कि इसमें जांच करवा लीजिए, पहले ही महिला ने इस तरह के आरोप लगाए। जांच कौन कर रहा है, कहां भी कोई शिकायत हुआ है तो होगा आगे से पता चलेगा। नहीं आपके ऊपर जो आरोप लगाए उनका क्या कहना है आपका सर? सब झूठे हैं, मिथ्या आरोप है, लगातार ऐसे पहले भी आरोप लगाए गए हैं इनके द्वारा, पहले भी जांच हो चुकी है। अब आज की जो घटना है सर, महिला ने कहा मेरा हाथ पकड़ा, छुरी तोड़ दी, बदतमीजी करिए। बहरहाल महिला के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से महिला ने अधिकारी पर इस तरह के आरोप लगाए हैं ये काफी शर्मनाक है।